एक नए सफ़र की शुरुआत, तो वो स्टार्ट करेंगे हम धर्मशाला से। काफ़ी देर के बाद निकलना हुआ है आउटिंग के लिए, तो चलिए शुरुआत करते हैं, जल्दी मिलेंगे आपको वहाँ पर। फिलहाल हैं हम गुरदासपुर एंड यहाँ से अभी हम शुरुआत करेंगे धर्मशाला के लिए। एंड अभी जस्ट रिफिलिंग करवा रहे हैं पेट्रोल पंप से। सो कोविड के कारण काफ़ी ट्रैवलिंग में ये ट्रैवलिंग काफ़ी टाइम के बाद हम कर रहे हैं फैमिली के साथ। इससे पहले जो ट्रैवलिंग की थी या इससे पहले जो हमारी ट्रैवलिंग रही थी वो कोविड से पहले ही थी, कोरोना टाइम से पहले या लॉकडाउन से पहले। अब ये जो फैमिली के साथ ट्रैवलिंग है वो तकरीबन 2 साल के बाद है। तो इनसे मिलिए, छोटी सी लड़की है लेकिन बहुत ज़्यादा शरारती है। इधर बताओ अपने बारे में। और ये हो गई रिफिलिंग, अब चलते हैं। फालतू में आया हुआ है। और आप कौन सा काम कर रहे हो? फालतू में बैठे हो? फाइनली हम पहुंच चुके हैं धर्मशाला एंड धर्मशाला नहीं मैकलोडगंज। एंड हमने अपने रूम यहाँ पे जो था वो बुक करवाया हुआ था, स्काई लार्क होटल है, तो वहाँ पे हमने अपने रूम्स बुक करवाए हुए थे एंड रूम पे हमने चेक इन कर लिया है। और अभी हम कुछ बाहर जाएंगे थोड़ा सा खाने के लिए क्योंकि थकावट काफ़ी हो चुकी है। ये सभी बाहर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मैं अकेला ही अंदर अपनी वीडियो बना रहा हूँ। पर इनमें जो आते हैं वो है मेरी वाइफ, मेरी छोटी सी बच्ची एंड मेरे मम्मा पापा। एंड स्पेशली आज जो हम यहाँ पे आए हैं वो है मेरी मम्मा का बर्थडे। एंड एक दिन पहले यानी कि 30th March को था पापा का बर्थडे, सो दोनों का बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए हम यहाँ आए हैं। तो ये एक जस्ट थोड़ी सी आउटिंग है फैमिली के साथ, तो इसी तरह आपको अलग अलग चीज़ें मिलती रहेंगी। तो चलिए अभी चलते हैं। देखिए स्माइल करते हुए प्यारी सी वाइफ आ रही है, और ये देखिए चेहरे की स्माइल, ये जस्ट एक कैमरा की स्माइल कर रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे, आ जाओ। यहाँ पर बैठे हैं नीचे, ये है छुटकू, ये है पापा और ये है मम्मा। बर्थडे है इनका, ये कोरोना से काफी डरते हैं। मैं नहीं सर्दी से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जा कोरोना हो जा सर्दी जा गर्मी जा बारिश जा बर्फ। अब कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं डिनर करने। दोपहर को कौन सा डिनर करोगे? लंच। मुझे लगा कि
हम खो गए हैं मयूर, ये देखो ये रहे इधर, हमें छोड़ के इधर चले गए हुए थे ये लोग। थोड़ी देर हमारी वेट तो करनी चाहिए थी ना टीचर को, भूख लगी क्या खाओगे? सामने देखे चलो चलो, मुझसे आइसक्रीम खा रहे हो? सो इट्स 5 PM इन द इवनिंग एंड अभी हम थोड़ा सा सोकर उठे हैं, काफ़ी थक चुके थे, ट्रैवलिंग काफ़ी लंबी थी। सो इस टाइम में हम वास्तु की मार्केट में, जो मेरे पीछे रास्ता ये जाता है वास्तु वाटरफॉल को, बड़ा फेमस वन ऑफ द यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन है, तो मेरे पीछे वो सीधा रास्ता जाता है ऊपर वाटरफॉल की ओर। ये पीछे एक मार्केट पड़ती है जहाँ से आप अगर आते हैं कुछ तो अपनी परचेजिंग कर सकते हैं, अलग अलग यहाँ से आपको सॉवरेन आइटम्स या आपको कुछ भी बच्चों का सामान हो या कई अलग अलग चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। और एक मार्केट ये पड़ती है और एक है मैकलो की मार्केट। तो ये जो यहाँ पे ये दो मेन अट्रैक्शंस है जो लोग यहाँ पे देखते हैं। क्या कर रहे हैं? मिला नहीं तेरे को कुछ? क्या ढूंढ रहे बता ना, मेरे को क्या चाहिए? जो मेरे पीछे स्विमिंग पूल आप देख रहे हैं बड़ा फेमस था, लेकिन ड्यू टू कोरोना अभी यहाँ पे आपको स्विमिंग करना या किसी भी तरह से नहाना यहाँ पे बात लेना मना है। तो लिखा हुआ कोरोना बीमारी से चलते तालाब में नहाना और तैरना मना है। और यहीं मेरे पीछे से ही भास्कर वाटरफॉल के लिए रास्ता जाता है जो सीधा ऊपर आपको लेके चलता है, सीढ़ियाँ बनी हुई है, वो रास्ते से आप ऊपर वाटरफॉल की ओर जाते हैं। अब थोड़ी सी शाम है तो अगर हम अब ट्राई करेंगे ऊपर जाने के लिए तो अंधेरा हो जाएगा जब वापस आएंगे। तो हम ये सुबह, तो अगर हम टाइम से उठ गए तो तब हम जाएंगे अर्ली मॉर्निंग ऊपर भास्कर वाटरफॉल के लिए। यहाँ पे जो हम आए हैं धर्मशाला, यहाँ आप बोलिए मैक्लोडगंज,
तो ये मेरा कोई फर्स्ट टाइम नहीं यहाँ पर, बचपन से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ एंड लगभग सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने देखी हुई हैं, बट ड्यू टू कि ये काफ़ी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन यहाँ पे काफ़ी रहती हैं एंड यहाँ पे काफ़ी टूरिज़्म आता है, इवन कि यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिज़्म भी काफ़ी रहता है, उस वजह से सोचा कि इस बार क्यों ना साथ में कुछ वीडियो शूट किया जाए। वैसे आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे धर्मशाला की, अगर आप सर्च करते हो काफ़ी ब्लॉग्स अच्छे अच्छे मिलेंगे, लेकिन ये एक फर्स्ट ट्राई है, तो उम्मीद करता हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ इसमें शेयर करूँगा। एंड आप मुझे ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, या इसमें क्या कुछ मैं अच्छी चीज़ें डालूँ कल को आने वाला टाइम में, या क्या अच्छी चीज़ें इसमें मैं शेयर किया करूँ। मैं बस बैठा होटल के बाहर और आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं कल नई वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, उसे लाइक करना ना भूलिए एंड मिलते हैं कल नई वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड कीप लविंग, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।